देखो यार, रेडमी, शाओमी या पोको डिवाइस के लिए एक प्रीमियम iOS का थीम चाहिए, ये थीम ट्राई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद पूरा फ़ोन का लुक चेंज हो जाएगा। गूगल का फोल्डर में काफ़ी न्यू टाइप का आइकन्स देखने को मिलता है, आइकन्स क्लासिक लुक के साथ है। होम स्क्रीन और टूल्स का फोल्डर में भी सिमिलर क्लासिक टाइप का आइकन्स देखने को मिलता है। आइकन पैक में एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लीन मिनिमल आइकन पैक है और विजेट्स डबल टैप करने से चेंज नहीं होता है। कंट्रोल सेंटर में भी पूरा चेंजेस देखने को मिलता है। हम वेट 12.5, 13, 14, 7 में चेंज कर सकता है। न्यू टाइप का टॉगल्स, न्यू टाइप का UI इसमें देखने को मिलता है, तो ट्राई करके देखो, शायद पसंद आ जाए। और सेटिंग्स में भी काफ़ी अच्छा UI देखने को मिलता है, पूरा न्यू टाइप का UI देखने को मिलता है। डार्क मोड थीम सपोर्ट करता है, तो डार्क मोड के साथ ब्लैक बैकग्राउंड सेपरेशन काफ़ी अच्छा है और कलरफुल टॉगल्स देखने को मिलता है iOS इंस्पायर्ड। तो अगर iOS इंस्पायर्ड कंप्लीट लुक चाहिए था, ये थीम ट्राई कर सकते हो। अबाउट फोन में भी सिमिलर iOS इंस्पायर्ड लुक देखने को मिल जाता है। डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स पे भी चेंजेस देखने को मिलता है, डिस्प्ले में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो काफ़ी अच्छा चेंजेस है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। डिस्प्ले में भी चेंजेस हो गया है और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, तो सभी जगह में चेंजेस है। बैक जेस्चर्स भी देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंट टाइप का जेस्चर देखने को मिलता है ग्रेडियंट के साथ, और ऐसा कुछ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चेंजेस देखने को मिलता है। न्यू टाइप का UI है, न्यू टाइप का लुक ऐड किया गया है और एडिशनल सेटिंग्स भी जो चेंजेस सेपरेशन ऐड किया गया, तो ऐसा कुछ चेंजेस आपको ये थीम अप्लाई करने के बाद देखने को मिल जाएगा। तो ट्राई करके देखो, थीम सच में नेक्स्ट लेवल का है और चेंजेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। डायलर मैसेजेस आप चेंज नहीं होने वाला, रीज़न आपको पता ही है। और वॉल्यूम स्लाइडर में जो चेंज करना चाहिए था, वॉल्यूम स्लाइडर का मतलब वॉल्यूम स्लाइडर्स को उसका कुछ कलर या टोन जो चेंज कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। और लॉक स्क्रीन में ये थीम में बग है, जो कि देख सकते हो, जैसे ही जो लॉक स्क्रीन में रखने के बाद ऐसा अनलॉक का ऑप्शन आ जाता है, डायरेक्टली कुछ करो या ना करो ये ऑप्शन आएगा। तो ये बग कैसे फिक्स हो सकता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये थीम में ही बग है और मैं 2-3 डिवाइस में ट्राई कर चुका हूँ, सभी में सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई गेस ये थीम में बग है जो कि फिक्स हो सकता है अपडेट के साथ, तो अब देखते हैं कब अपडेट आता है। और अगर आपको ये थीम डाउनलोड मारना है, इसके लिए आपको बस जाना होगा थीम स्टोर में, सर्च करना होगा ग्लोबल 2 प्रो। जैसे आप सर्च कीजिए ग्लोबल 2 प्रो, आपको ये थीम मिल जाएगा ये थीम स्टोर में, और डाउनलोड कीजिए ग्लोबल 2 प्रो को और बताइए कैसा लगा आपको ये थीम। आई होप आपको ये थीम ग्लोबल 2 प्रो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जाओ यार डाउनलोड मारो, बताओ कैसा लगा अप्लाई करने के बाद। और कुछ आपके पास अच्छा थीम है तो उसको नीचे जाओ नाम उसका कमेंट करो, और पसंद आया वीडियो तो लाइक मारो, लाइक ही में 120 रखते हैं। जाओ यार प्लीज़ कंप्लीट करो, वीडियो को शेयर कर दो, कुछ पूछना है नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाओ जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लो, नोटिफिकेशन कॉल में रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस बाय।